देश दुनिया के इतिहास में 19 जून का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन राहुल गांधी के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1269 में फ्रांस के राजा लुई ने सभी यहूदियों को शर्म का बिल्ला पहनने का फरमान जारी किया था। 1716 में आज ही के दिन मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ने वाले प्रसिद्ध सिख सैनिक बंदा सिंह बहादुर की बादशाह फरूक सियर के आदेश पर यातनाएं देकर जान ले ली गई थी। आज ही के दिन 1865 में यूनियन जनरल ग्रेनर ने टेक्सास के सभी गुलामों को आजाद कर दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिंदी के उन्नायक और प्रखर चिंतक माधवराव सप्रे का जन्म आज ही के दिन 1871 में दमोह के पथरिया ग्राम में हुआ था। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई बरस तक संघर्ष करने वाली और दुनिया में लोकतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी आंग सान सू की का जन्म आज ही के दिन 1945 में हुआ था। मशहूर ब्रिटिश और भारतीय लेखक तथा उपन्यासकार सलमान रश्दी का जन्म आज ही के दिन 1947 में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह का जन्म आज ही के दिन 1948 में हुआ था। आज ही के दिन 1948 में सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया था। 1968 में आज ही के दिन मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में आर्थिक न्याय के लिए 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म आज ही के दिन 1970 में नई दिल्ली में हुआ था। आज ही के दिन 1982 में हिजबुल्लाह ने आतंकी हमला कर बेरूत यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को अगवा कर लिया था। 1996 में आज ही के दिन बौद्धिक संपदा कानून पर कोचीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता हुआ था। आज ही के दिन 1996 में प्रसिद्ध अंपायर डिकी बर्ड को क्रिकेट और चैरिटी के असाधारण योगदान के लिए MCC की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया था। 2002 में आज ही के दिन पाकिस्तान के विदेश सचिव इनामुल हक को पाकिस्तान का विदेश मंत्री बनाया गया था। आज ही के दिन 2003 में फिनलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनेली जाटिनमाकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2005 में आज ही के दिन फोर्ब्स पत्रिका ने ओफ्रा विनफ्रे को दुनिया की 100 ताकतवर हस्तियों में पहला स्थान दिया था। आज ही के दिन 2006 में जापान ने उत्तरी कोरिया को परमाणु परीक्षण मामले पर कड़ी चेतावनी दी थी। 2007 में आज ही के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मोहम्मद अली दुर्रानी को सूचना मंत्री के पद से हटा दिया था। आज ही के दिन 2008 में उत्तराखंड की सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मनेरी और 380 मेगावाट की भैरोधारी परियोजना को स्थगित किया था। 2008 में आज ही के दिन गाजा पट्टी में हिंसक संघर्ष रोकने के लिए इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।